very much for those kind words of introduction. मैं सबसे पहले मुक्ता मनोहर जी, सुहास जी, नितिन ब्रह्मे से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस सुलभ्रा ब्रह्मे व्याख्यान को डिलीवर करने के लिए पुणे बुलाया है। मैं सुलभा जी के का जो की जो जीवनी है उनके काम से एक डिस्टेंस से वाकिफ हूं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अर्थशास्त्री, समाज सेवक, एक्टिविस्ट, टीचर, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत अहमियत रखता है वो ये कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत शीघ्र तय कर लिया था कि विद्या के बारे में जो चर्चा होनी चाहिए ये जब तक आम आदमी के जुबान में आप नहीं पहुंचा पाओगे तब तक ये हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में रहेगा, और जब तक ये चुनिंदा लोगों के कब्जे में रहेगा तब तक समाज में शोषण का जो की जो प्रथा है वो बरकरार रहेगी। शोषण को खत्म करने के लिए विद्या की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है, थियोरी की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है, और इन चीजों को आम पाठक तक कैसे पहुंचाया जाए ये रास्ता जो है उन्होंने अपनाया कि भाई मराठी में बहुत सारी चीजें जो आम तौर पे उपलब्ध नहीं थी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हम लोग कहां पे आके पहुंचे, गांधी जी का देश, अंबेडकर जी का देश, बुद्ध का देश, कबीर का देश, इस कगार में हम कैसे आके खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम को अपने अंदर अपनी कमियां को भी स्वीकार करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो सियासतदान हैं, उन्होंने जो दरार है उनके और जनता के बीच में दरार को कम करने की शायद उतनी कोशिश नहीं करना कि करना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है कि वो लोगों की भाषा में बात नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि ये इनका सोचने का जो एक तरीका, उनकी जो अपनी लॉजिक थी, और दूसरी बात ये अपने आप में सराहनीय है, लेकिन दूसरी बात की ये पहचानना कि एक औरत, एक शख्स अकेला कितना कर सकता है वो उसकी एक सीमा है, लेकिन अगर आप एक संगठनात्मक तरीके से काम करना शुरू करें, संस्थानों की मतलब संस्थानों का सृजन करें, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि 60 के दशक में उनका ये सोच कि पुणे जैसे शहर में एक ऐसा जो है ग्रंथालय बनना चाहिए जो अलग अलग लोगों के लिए एक सहारा बने, एक जरिया बने, ये अपने आप में बहुत
काबिले तारीफ है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, मैं आमतौर पे जहां पे भी मैं जाता हूं तो लोग भारत में जर्नलिज्म के बारे में पूछते हैं, सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि भारतीय पत्रकारिता जो है ये एक ऐसी जगह पे जाके पहुंच गई है जो न सिर्फ निंदनीय है लेकिन देश के सूरत हाल के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहद खतरनाक भी बन चुका है। और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल लोग उठाते हैं और इस मीटिंग में भी मैं भारतीय पत्रकारिता के बारे में बात करना चाहूंगा। लेकिन पत्रकारिता की अहमियत हमारे जैसे समाज में ये है कि पत्रकारिता डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर ये हिस्सा, अगर ये स्तंभ, जैसे हम कहते हैं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, हालांकि संविधान में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की बात की गई है, उस तरह से मीडिया की बात नहीं है, हालांकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है हमारे संविधान का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन आमतौर में हर मीडिया के हर मामले में लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। और अगर ये स्तंभ कमजोर हो जाए तो जाहिर है कि डेमोक्रेसी की हालत भी बहुत खराब होगी। और मुझे लगता है कि अगर हम मीडिया के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आज डेमोक्रेसी की हालत क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो शीर्षक मैं देना चाह रहा था, हालांकि पोस्टर में तो एक औपचारिक टाइटल है लेक्चर का, लेकिन मैं आज भारतीय डेमोक्रेसी और भारतीय मीडिया के भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इनको आज खतरा क्यों है। और अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई खतरा नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा विपक्ष के नेता कहते हैं कि भाई ये एक अघोषित आपातकालीन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। इंदिरा गांधी के वक्त में एक औपचारिक घोषित किया गया इमरजेंसी था जो तकरीबन 2-2.5 साल चला, जिसके चलते लोगों को गिरफ्तार किया गया, मीडिया पे कुछ कंट्रोल, सेंसरशिप वगैरह का रजीम था। और विपक्षी दलों का कहना है कि भाई ये आज एक अनौपचारिक अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, और सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये तो सरासर झूठ है, ऐसा आपातकालीन नहीं है, हिंदुस्तान तो एक चलता फिरता खुशहाल डेमोक्रेसी है। और देखिए अखबार छप रहे हैं, टीवी चैनल चल रहे हैं, ऐसी मीटिंग भी हो रही है। और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को और आज की जो, जैसे हम कहते हैं कि अघोषित आपातकालीन है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक लतीफा बताया जाता है, कभी कुछ लोग कहते हैं रॉबर्ट मुगाबे ने कहा, कभी कुछ लोग कहते हैं इडी अमीन ने कहा। इडी अमीन का मिसाल ले लेते हैं, युगांडा के डिक्टेटर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई युगांडा, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन युगांडा, इट्स गारंटीड, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच इज नॉट गारंटीड। बोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, गारंटीड, ये मोदी की गारंटी, लेकिन बोलने के बाद क्या आप सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे, या आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगा, या आपको आप पे अलग अलग चार्जेस लगाए जाएंगे,
ये आज की हकीकत है। मीडिया छाप सकता है लेकिन छपने का नतीजा क्या है ये आप पहले आपको नहीं मालूम, और इसीलिए मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी और मीडिया आज जो हालात बन चुके हैं, जो खतरा है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और सरलता के लिए मैंने इसको 5 भागों में बांटा है, मैं 5 अलग अलग खतरों के बारे में बात करना चाहूंगा जहां तक हम भारतीय डेमोक्रेसी के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप अपने जहन में रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस फ्रीडम आफ्टर स्पीच, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर बोलने का हक, जमीर का हक, आजाद तरीके से सोचने का हक, अगर ये हक छीना जाता है या अगर ये हक कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, तो यूं समझिए कि सारे आपके जो हक हैं, सारे आपके जो अधिकार हैं, वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो खतरा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम जो हमारा है आज इस प्रणाली पे खतरे का बादल मंडरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी वजह क्या है? चुनाव जो हमारे यहां होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के निरीक्षण उनके डायरेक्शन पे चलता है, और संविधान के तहत जो चुनाव आयोग है ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन माना जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। और जाहिर है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर जो सरकार चुनाव में जा रही है, अगर वो सरकार चुनाव आयोग पे दबाव डाल सकता है, तो समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की आजादी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव की निष्पक्षता वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है इसके मेंबरान का चयन कैसे होता है। और इसमें मैं इस सरकार को सिर्फ दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि लंबे अरसे से ये हिंदुस्तान में सिस्टम रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग सरकार है, अपनी मनमानी के आधार पे इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन करता है। और पहले भी आरोप लगे हैं लेकिन उस कदर आरोप नहीं लगे कि ये इलेक्शन कमिश्नर्स ने निष्पक्षता से अपना काम नहीं किया। कभी पहले सुनने में नहीं आया जब अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर्स थे, अलग अलग सरकारें थी, कि भाई इलेक्शन कमीशन पक्षपात है, कि जब ऑपोजिशन कहीं ना कहीं एक फरियाद दर्ज करता है तो उस फरियाद पे इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन सरकार की ओर से अगर कोई फरियाद दर्ज होता है तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है। ये ऐसा इल्जाम शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा इलेक्शन कमीशन के बारे में 60, 70, 80, 90 के दशक में। तो हां, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का चयन एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रधानमंत्री स्वयं करते थे, और जाहिर है कि ऐसे लोगों को ही कहीं चयन होता था जिन पे उनका विश्वास है। लेकिन पिछले 5-6 साल में जिस मतलब कि चुनाव आयोग के फंक्शनिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इस साल या शायद पिछले साल दिसंबर, कि चुनाव आयोग के जो मेंबर हैं
इनका चयन एक निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, और उनका सुझाव था कि एक कोलिजियम को बिठाया जाए और उस कोलिजियम के मेंबर होंगे प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो रूलिंग पार्टी का एक आदमी होगा प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का एक आदमी होगा या औरत होगी जो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगी, और निष्पक्षता एक तरह से कास्टिंग वोट जो है वो चीफ जस्टिस के पास होगा। तो आम जनता एक तरह से उनको तसल्ली मिलेगी कि भाई ये जिनका चयन हो रहा है ये पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो सोच समझ के चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव सरकार को दिया और उनको बताया गया, आदेश दिया गया कि भाई आप एक ऐसा बिल पारित कीजिए जिसमें सिलेक्शन जो है एक कोलिजियम के बेसिस पे होगा। सरकार जो है उन्होंने अभी बिल ड्राफ्ट किया है जो अभी पास होने वाला है, जिसमें कोलिजियम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें सिर्फ एक चेंज, हाँ तीन मेंबर हैं, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्षी दल के नेता, तीसरा जो मेंबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे होना चाहिए, उसको हटा के, उनको हटा के तीसरा मेंबर जो है इस कानून जो मोदी सरकार ला रही है, तीसरा मेंबर जो है सरकारी मंत्री होगा। अब बताइए तीन में से अगर दो सरकार के ही लोग हैं तो हमेशा 2-1 होगा, चयन उन्हीं लोगों का होगा जो सरकार के इशारे पे काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इसको आप ओपन डिफाइंस कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सरकार के सामने लॉजिक भी पेश किया गया कि भाई इसकी वजह ये है कि आम जनता को कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं ये इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करेंगे, इसलिए चयन एक इंडिपेंडेंट पैनल अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, और इंडिपेंडेंस की गारंटी चीफ जस्टिस का उसमें शामिल होना था, उनको हटा के मंत्री वहां पे रखा गया है। तो ये सीधे तौर पर आपको सरकारी इरादों के बारे में बताता है। इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सिस्टम है, वैसे भी लंबे अरसे से हिंदुस्तानी चुनाव प्रणाली में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट जो एमएलए या एमपी बनना चाहता है उनके खर्चे पे एक सीमा रखी गई है, शायद 90 लाख के आसपास है अगर आप एमपी बनना चाहते हैं, 1 करोड़ ले लीजिए, 1 करोड़ तक आप लीगली खर्च कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के खर्च पे कोई सीमा नहीं है, तो क्या फायदा? अगर आप यूके का सिस्टम देख लें, यूके के सिस्टम पे सीमा जो है पॉलिटिकल पार्टी पे तय की गई है कि कोई भी पार्टी फलाना मिलियन पाउंड से ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में सीमा हमने लगा दिया एमपी कैंडिडेट पे, पार्टी पे कोई लिमिट नहीं, पार्टी पे कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे पार्टी हैं जो बेशुमार पैसा खर्च कर सकते हैं। पिछले चुनाव में अनुमान किया जा रहा है कि इतना पैसा खर्च किया गया सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, जो जितना यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पहले खर्च किया गया। तो मुझे लगता है कि मनी पावर का जो रोल है पहले से ही हिंदुस्तानी इलेक्शन सिस्टम को नष्ट कर रहा था, लेकिन कम से कम जो रूल था वो उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता थी कि अगर बिरला टाटा किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं तो वो डोनेशन जो है वो डिक्लेयर हो जाता था, पब्लिक को पता चल जाता था कि भाई कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। इस पारदर्शिता को खत्म करने के लिए अरुण जेटली जब
वित्त मंत्री थे, और जब नरेंद्र मोदी साहब के शायद लास्ट टर्म के मतलब 2017-18 इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, कहा गया कि भाई इसमें राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, डोनर जो है डोनर जो पैसा दे रहा है उसकी मतलब विजेता की जो का जो अधिकार है उसका उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम बनाया है। अब जो है बड़ा से बड़ा उद्योगपति जाके बॉन्ड खरीद सकता है और वो किसी पार्टी के अकाउंट पे डाल सकता है। जाहिर है कि पार्टी जो पैसा दे रहा है उसको तो पता है कि भाई कौन दे रहा है मुझे। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को जाके दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को पता है, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता है और दस्तावेज वहां पे रखे गए हैं तो ये जानकारी सरकार को भी पता है। लेकिन ऑपोजिट आप देख लीजिए कि अगर कोई उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं, मोदी साहब तो प्रसन्न हुए, उनको पता है कि भाई कौन दे रहा है, लेकिन ये जानकारी जो है ना विपक्षी दल को मिलेगी ना ही आप और हमको। तो ये जो मणिपाल का जो पहला एक एक हानिकारक एक किरदार था इंडियन डेमोक्रेसी और इलेक्शन सिस्टम के लिए, अब उसको और खतरनाक इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ने बना दिया है और हजारों करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। अधिकांश पैसा, क्योंकि इनकम टैक्स रिकॉर्ड से हमको मालूम पड़ रहा है, अधिकांश पैसा मतलब तकरीबन 100 में से 75 या 80 फीसद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी उन उद्योगपतियों को क्या कह रहा है, कौन है वो उद्योगपति, उनके इंटरेस्ट क्या है, ये सब जो है पब्लिक की आंखों से छुपाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे इस किस्म का रूल बनाया गया है। हर मुल्क में पारदर्शिता की ओर जो है कानून बनाया गया है ताकि पब्लिक की जानकारी और बढ़े, ताकि आपको जल्द से जल्द ये जानकारी मिले कि भाई कौन सा उद्योगपति कौन सा अमीर किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है, ताकि बाद में, और इसकी वजह क्या है, ताकि बाद में अगर कोई ऐसी नीति बने जो किसी पार्टी की किसी कंपनी के पक्ष में हो। फर्ज करिए अभी मोरबी में गुजरात में जो पुल टूटा जहां पे 100 से अधिक लोग मरे, वहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है। अखबार में पढ़ने को आया कि जो उस कंपनी के जो का जो मालिक है, जब उनके जो है जमानत का सवाल आया तो गुजरात सरकार ने जमानत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर हमारे पास पारदर्शिता होती, अगर हमारे पास ये जानकारी होती कि भाई उस मालिक ने रूलिंग पार्टी को पिछले साल या 2 साल पहले 2-3 करोड़ रुपए दिए तो पब्लिक जो है वो कनेक्शन बना ली थी। मुझे नहीं पता कि किसने कितना दिया, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। ठीक इसी तरह इतने सारे कानून बनने जा रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, और कुछ उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा मिल गया है, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं कि कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। और मुझे लगता है कि इससे इलेक्शन सिस्टम को सैबोटाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए 4-5 साल पहले और एक जो है फैसला इस पे सुनवाई भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन फैसला इसका
जिसका इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं। सुनवाई शायद हो गया लेकिन फैसला इसका पता नहीं कब आएगा। मैंने इलेक्शन कमिश्नर्स के चयन के बारे में बात किया। चयन का सवाल क्यों अहमियत रखता है? इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पे हम सवाल उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले चुनाव 2019 की बात, आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन लॉ के तहत चुनाव के टाइम कोई भी प्रत्याशी धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकता है वोट मांगने के लिए। वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया, मैं 2019 के चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे उन्होंने एक कटाक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कहा कि भाई विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने देश के उस कोने को छान निकाला जहां पे मजॉरिटी माइनॉरिटी में है और वहां पे जाके खड़ा हुआ है। शब्दों का चतुर प्रयोग, लेकिन मकसद वही कि आप जनता को कह रहे कि देखो ये राहुल गांधी मुसलमानों के सपोर्ट के आधार पर जीत के आना चाहता है, हिंदू पे भरोसा नहीं करता, इसलिए हिंदू कहने मतलब जो सब टेक्स्ट है वो ये कि भी आप हिंदू जो हैं आप इन पे भरोसा मत कीजिए। कोई भी 8 साल का बच्चा वो तकरीर सुन के ये बात अच्छी तरह से समझ लेता। चुनाव आयोग पे कंप्लेंट दर्ज किया गया कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट और इलेक्शन लॉ के खिलाफ ये बात है। चुनाव आयोग ने कई हफ्तों तक इस फरियाद को इग्नोर किया। एंड में जाके जब शायद कांग्रेस के किसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक डाला, फिर चुनाव आयोग ने फौरी तौर पे फैसला सुनाया और फैसला से भी एक ना डरा कि इसमें कोई वायलेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया गया, कोई लॉजिक नहीं बताया गया। लेकिन बाद में हमको पता चला कि उस फैसले में 2-1 था। एक इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी सहमति उस फैसले के साथ नहीं दी, वो इलेक्शन कमिश्नर था अशोक लवासा। अशोक लवासा हिंदुस्तान के इतिहास में पहला और शायद आखिरी ही इलेक्शन कमिश्नर है जिन्होंने अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव आयोग छोड़ दिया। अगर वो रहते चुनाव आयोग में तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैसला लिया गया कि भाई इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। तो अखबार में उस चुनाव के बाद और उनके उस डिसेंट फैसलों के बाद अखबारों में उनके खिलाफ खबरें आने लगी कि भाई गुड़गांव में कोई मकान ले लिया, पता नहीं पैसे कहां से आए, बीवी ने कहीं से किसी से उधार लेके घर खरीदा, बच्चे ने ऐसे किया वैसे किया। 3-4 दिन के लिए इनके खिलाफ अखबारों में टीवी चैनल पे ये खबरें आती रहीं, इन पे दबाव बढ़ता गया, शायद उनको बताया भी गया कि भाई तुम यहां से निकलो, तो इस्तीफा देके वो निकल गए। जैसे निकले वो स्टोरीज का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया कि भाई मकान कैसे खरीदा गया, वो सारा जो है वो अपने आप चला गया। और बाद में जब यहां पेगासस का जिक्र किया गया
जब हम लोगों ने पेगासस स्पाईवेयर पे काम किया तो पता चला कि जो 380 हमारे पास 2000 से ऊपर नंबर थे जिनपे शक था कि पेगासस लगाया गया, उनमें से एक नंबर जो निकला वो अशोक लवासा था। तो यू समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है देश के लिए और चुनाव के लिए, लेकिन वहां पे एक इलेक्शन कमीशनर को आप स्पाईवेयर से टारगेट करते हैं ताकि घर में जो सारी उसकी बातें हैं, अपनी बातें हैं, उनकी जो प्राइवेट बातें हैं, उनके जो अपने व्हाट्सएप चैट्स हैं, सबको आप उसको आप ले सकते हो। और जब पता चला कि जी आपके खिलाफ फैसले ले रहा है तो मीडिया में इनके खिलाफ एक मुहिम चलाया गया, उसको निकाला गया और फिर चले गए और उनकी जगह में और लोग आए जो शायद अगर ऐसा सवाल उनके सामने आएगा तो कभी भी डिसेंट करने का जो है कि हिम्मत नहीं दिखाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में बहुत सारे ऐसे ताकत हैं और आप देख सकते हैं कि जब जहां विपक्षी नेता का सब उनके खिलाफ जब कंप्लेंट दर्ज किया जाता है तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब बड़े से बड़े जो रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं या तो उनको चेतावनी दी जाती है या ऐसा कुछ जो है हल्का फुल्का करके या पूरी तरह से उसको नजरअंदाज किया जाता है। तो इलेक्शन लॉ जो है आपका उसका वायलेशन अगर रूलिंग पार्टी करे तो इलेक्शन कमीशन उसको इग्नोर करेगा। मैंने जिक्र किया लवासा जी के खिलाफ जो स्टोरीज चले कि भाई कहा गया कि करप्ट है वगैरह वगैरह, और इसी से चुनावी प्रणाली से जुड़ा हुआ एक और फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर चुनाव में, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि सरकारी जांच प्रणालियां, एजेंसीज, इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, किस तरह से वो अपना काम करते हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। चुनाव से पहले उन पे रेड, उन पे इल्जाम, चुनाव के बाद चुनावी नतीजा के आधार पे रेडों का इस्तेमाल, इस चुनाव में शायद पहली बार देखने को मिला कि चुनाव के दौरान ईडी का इस्तेमाल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आरोप जो है सब गलत है या सही, लेकिन सीएसडीएस के जांच के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उनके सर्वेस ने दिखाया कि महादेव ऐप के बारे में जो ईडी का जो पूरा शोर था, महादेव ऐप से पहले जनता का रुझान कुछ और था और महादेव ऐप के बातों के बाद जनता का रुझान कुछ और था। अभी भी मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसे तथ्य नहीं है कि महादेव ऐप की कहानी सही है या गलत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाना, ये एक कोइंसिडेंस नहीं था। तो कुल मिला के चॉइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ के देख लें कि भाई इसका नतीजा क्या है, तो सीधे जो है एक सवाल आप खड़ा करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, लेकिन जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, एक समान जो है एक मैदान होना चाहिए सब खिलाड़ियों के लिए, वो ऐसा नहीं। और खास तौर पे जो पैसों का जो खेल और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो खेल, इस चुनाव में जो 5 नतीजे आए हैं, बहुत सारी चर्चा हो रही है टीवी पे, अखबारों पे, भाई बीजेपी ने बीजेपी के की स्ट्रेटजी क्या थी, कांग्रेस की रणनीति क्या थी, कांग्रेस की रणनीति में खामियां क्या थी, बीजेपी क्यों आगे निकला, और वो विश्लेषण अपनी जगह पे सब ठीक है कि भाई ओबीसी फैक्टर, तो लाभार्थी फैक्टर वगैरह, उस सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सब लोग भूल रहे हैं कि भाई मनी पावर, कितना पैसा किस पार्टी के पास कितना पैसा था, ये कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है।
और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे 2024 में मणिपाल का जो रोल है और इसी से जुड़ा हुआ जो मीडिया का जो इस्तेमाल जिस पे मैं बात करूंगा, ये इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा खतरा, अगर हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, अभी तक तो मैंने इलेक्शंस पे बात करी, दूसरा खतरा है भारतीय संघ के जो फेडरलिज्म प्रिंसिपल। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र की परिभाषा क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है भारत, और जो संविधान जो लिखा गया, संविधान जो ड्राफ्ट किया गया, उसमें एक संतुलन केंद्र सरकार या संघीय सरकार और प्रदेशों की सरकारों के बीच में एक संतुलन, जिससे जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे भी काम आगे बढ़ पाए और जो फेडरल प्रिंसिपल है और एक रेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये भी जो है आगे अपने आप में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में इस फेडरल प्रिंसिपल पे जम के हमला हुआ है। इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक पहलू मैं आप जो सबसे रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकला है, वो जम्मू कश्मीर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के पास दो बड़े सवाल गए, एक था धारा 370 का हटना, दूसरा था जम्मू कश्मीर जो भारतीय संघ का एक राज्य था, उस राज्य को, उस राज्य की राज्यता को एक हस्ताक्षर के आधार में खत्म करना हुआ और उसका फिर तकसीम या बंटवारा दो यूनियन टेरिटरीज में, किस हद तक ये लीगल था या नहीं था। 370 पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि भाई 370 हटाना ठीक था, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, वो अलग टॉपिक है बहस के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। फेडरलिज्म प्रिंसिपल के हवाले से जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि भाई क्या पार्लियामेंट, जहां पे एक रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है, क्या वो प्रेसिडेंट्स रूल को इस्तेमाल करके किसी भी राज्य का राज्य होने का दर्जा खत्म कर सकता है या नहीं। इस सवाल पे जो है कोर्ट ने कहा कि भाई इस सवाल में हम जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को दोबारा एक राज्य का दर्जा मिलने वाला है। परसों में रोहिंटन नारीमन साहब की तकरीर सुन रहा था बॉम्बे में, जो भूतपूर्व जज रहे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देने के लिए। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है और ये कल राज्य का, इसको राज्य का दर्जा मिलेगा, सोलिसिटर जनरल कहां से गारंटी कर सकते हैं? ये फैसला तो सबसे पहले पार्लियामेंट का है, क्योंकि पार्लियामेंट ही किसी यूनियन टेरिटरी को बदल के उसको स्टेट ऑफ यूनियन बना सकता है, पहला नंबर। दूसरा कि ये सवाल भी भविष्य में जो सरकारें आएंगी और खासतौर पे 2024 के चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, ये फैसला उनका है। इस सरकार के एसजी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसका आश्वासन कैसे मान लिया, और वो आश्वासन मान के एक इतना बड़ा जो कानूनी सवाल है, एक सवाल जो इंडियन फेडरलिज्म के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट करता है, उस सवाल को, उस सवाल से जूझने का आपने पूरी तरह से उसको इनकार कर दिया। और इसका इंपैक्ट आप समझिए, कल मान लीजिए कि किसी न किसी वजह से, जैसे तमिलनाडु में गवर्नर और द्रमुक सरकार के खिलाफ खिटपिट चल रहा है, और कल अगर गवर्नर और सरकार, केंद्र सरकार मिलके तमिलनाडु में प्रेसिडेंस रूल घोषित कर देते हैं, और उस प्रेसिडेंस रूल के तहत अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में इस्तेमाल करके ये कह देता है कि भाई
तमिलनाडु जो स्टेट ऑफ यूनियन है इसको हम तीन हिस्से में बांट रहे हैं, और एक नॉर्दर्न तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी होगा, बीच में चेन्नई एक अलग से यूनियन टेरिटरी होगा, और दूसरा सदर तमिलनाडु, तीन यूनियन टेरिटरी में हम इसका बंटवारा करते हैं, जो जे एंड के में हुआ है। आपने इस सवाल से जूझने से जो इनकार किया, आपने एक रास्ता खोल दिया है, क्योंकि अगर अगर सरकार कोई गलत कदम लेता है, कोई गैर संवैधानिक कदम लेता है, तो उसको पकड़ना, उसको रोकना कोर्ट का फर्ज बनता है, और अगर आप बुरे काम को नहीं रोकोगे तो जाहिर है कि वो बुरा काम दोबारा रिपीट किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से एक राज्य का दर्जा हटा के एक राज्य को का बंटवारा डिवीजन किया जा सकता है। बहुत सारी और चीजें हैं, किस तरह से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों पे कदम रख रहा है, फिस्कल डिवीजन ऑफ टैक्सेस पे डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल कह रहा है, तमिलनाडु कह रहा है कि जितना टैक्स शेयर हमको मिलना चाहिए केंद्रीय सरकार वो टैक्स शेयर हमको नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से CBI NIA इनकम टैक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन इट्स ऑल्सो कंकरेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन काइंड ऑफ, तो उसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल मशीनरी को यूज करके स्टेट्स में दखलंदाजी करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जिससे फेडरल प्रिंसिपल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं भारतीय डेमोक्रेसी के भविष्य को खतरा पहुंचाता है। नया पार्लियामेंट बना है, नए पार्लियामेंट के लोकसभा चेंबर में एक MP के मुताबिक तकरीबन 950 सीट वहां पे है, अभी पार्लियामेंट की जो का जो स्ट्रेंथ है वो 543। अब डिलिमिटेशन की कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन जो पिछले 40 साल से रोका गया है, क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन अगर लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनकी जो मतलब जिनका रिप्रेजेंटेशन एज अ परसेंटेज लोकसभा में घट जाएगा, और वो सब दक्षिण भारत के स्टेट्स, उत्तरी भारत के स्टेट्स जो है वो उनके नंबर बढ़ेंगे। तो क्या भविष्य में सरकार का इरादा है कि उस किस्म का वो करने वाले हैं ताकि जो है उत्तरी भारत को ही जीत के कोई भारत सरकार चला पाए? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब फेडरलिज्म के फ्यूचर पे और डेमोक्रेसी के फ्यूचर पे जो है खतरा पहुंचाता है। तीसरा, इस पे मैं ज्यादा वक्त नहीं गुजारूंगा क्योंकि इस टॉपिक से आप अच्छी तरह से वाकिफ, कि जो भारत की जो सामाजिक जो एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, इसको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदारी तरीके से जिस तरह से सांप्रदायिकता को खुला छूट दिया जाता है, तकरीबन हर प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहां पे जो MLA हैं, मंत्री हैं, उनके बयान अगर आप सुने, उनकी जुबान पे कोई जो है कंट्रोल नहीं होता, जहां माइनॉरिटीज की बात, मतलब कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी आप बोल दो चलता है, बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं जो सीधे तौर पे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक मैं कह दूं कि भारत की जो का जो की जो मुकम्मल पहचान है उसमें से जो एक इस्लामिक कॉन्ट्रीब्यूशन उसको मिटाने का काम चल रहा है, अगर हम शहरों के नाम के बदलने की बात करें, या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट या ये कानून, एक कानून होने के बावजूद जो कानून कहता है कि भाई कोई भी धार्मिक स्थान जो 1947 में किसी मजहब के साथ जुड़ा हुआ था, उस धार्मिक स्थान का नेचर आप नहीं बदल सकते, ये कानून होने के बावजूद आप देख रहे हैं किस तरह से काशी में और अब मथुरा में नए केसेस को खोला जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज किया गया, और उस याचिका पे हाई कोर्ट ने ASI को आदेश भी दिया
कि ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा नहीं है, ये राजा मानसिंह का महल है। बताइए, मतलब जब हम स्कूल में थे तो हम लोग हंसते थे। एक पीएल ओक नाम के एक फ्रॉड इतिहासकार होता था जो किताबें लिखता था कि भाई कुतुब मीनार है शिवलिंग, ताजमहल है लुद्दू पैलेस, छोटे छोटे रिसाले, छोटे छोटे ऐसे पैम्फलेट्स आते थे और हम लोग उसको पढ़ के हंसते थे कि ये क्या बकवास है। और यही चीज जो है अब कोर्ट्स में आने लगा है, इसके अलग अलग थ्योरी बनने लगी है। तो ये जो एक एक मतलब खुला छूट इसको कह सकते हैं कि अब सेक्युलरिज्म का कोई प्रिटेंस नहीं है। हाल ही में मैंने भारत के गृह मंत्री का बयान सुना, कल परसों सदन में गुजरात में उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा गुजरात में दंगा नहीं होगा। और मेरे जहन में एक सवाल उठा कि भाई वो सबक क्या था, किसको क्या सबक सिखाया गया? क्योंकि हकीकत ये है कि भाई दंगाइयों को पुलिस ने ना रोका ना पकड़ा, दंगाइयों के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए वो सब NHRC और माइनॉरिटीज कमीशन के इंटरवेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुए। अगर दंगाइयों को सबक सिखाया गया तो वो सबक जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिखाया, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं सिखाया। बल्कि नरेंद्र मोदी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब वेस्ट बेकरी का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य के जो नेता थे वो मजे से देख रहे हैं कि भाई प्रदेश जल रहा है, लोग बेकसूर लोग मारे गए, कुछ नहीं कर रहे। तो कौन सा सबक? और ये वर्धा वाले स्पीच की तरह समझने वाले तो समझ लेते हैं सबक क्या, मतलब किस सबक के बारे में अमित शाह जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में दंगा सिर्फ एक हुआ, वो गोधरा कांड, और उसके बदले में 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो क्या देश के गृह मंत्री का मतलब वो था कि 1000 लोगों का कत्ल बतौर एक सबक? मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी भी डेमोक्रेसी में मंत्री लोग ऐसे बात कर पाए। और ऐसा भी नहीं कि इनसे पत्रकार नहीं मिलते, गृह मंत्री तो अलग अलग टीवी पत्रकारों से उनकी मुलाकात होती रहती है, इंटरव्यू भी देते हैं। नरेंद्र मोदी इतना इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन अमित शाह जी तो मिलते रहते हैं लोगों से। लेकिन ये सवाल कभी उनसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई क्या सबक, किसने, मोदी जी ने क्या सबक सिखाया? और जब एक फिल्म बनती है, और मैं अभी मीडिया पे आ रहा हूं, जब BBC एक डॉक्यूमेंट्री बना देती है 2002 के हकीकत के बारे में, तो सरकार की पूरी प्रयास होती है कि ये फिल्म पब्लिक अरीना से पूरी तरह से हटा दिया जाए। YouTube से उड़ गया, Google से उड़ गया, Twitter से उड़ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कुछ छात्रों ने उसको दिखाने की कोशिश की तो स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया गया, और उससे भी जो है साहब संतुष्ट नहीं हुए, BBC के दफ्तरों पे जो है टैक्स वालों ने छापा मार दिया। मैं दोबारा जस्टिस रोहिंटन नारिमन की बात की तकरीर का जिक्र करना चाहूंगा, परसों उन्होंने बॉम्बे में जो कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी मीडिया हाउस ने एक ऐसा स्टोरी किया आपके खिलाफ और चंद हफ्तों बाद उन पे टैक्स रेड हो जाता है तो जाहिर है कि दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन काफी था सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट को का फर्ज बनता था कि फौरी तौर पे उनको इंटरवीन करना चाहिए था कि भाई ये भारतीय संविधान के तहत ये इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब पता चला कि BBC जो है वो हिंदुस्तान से निकलने और खिसकने की मतलब योजना बना रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें तो गिरफ्तारियों का सिलसिला, मैंने कहा शुरू में इडी अमीन का जो जुमला था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट गारंटी। आज के अघोषित आपातकालीन में छापने का पूरा अधिकार, छापने के बाद कोई गारंटी नहीं।
न्यूज़पेपर के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को जिस तरह से टेररिज्म के चार्ज पे उनको गिरफ्तार किया गया, और जब आप वो एफआईआर पढ़े तो आप हंस दोगे कि क्या अजीबोगरीब जो है हमारी पुलिस है, कैसा लॉजिक बना रही, कैसे कैसे कहानियां गढ़ रहे हैं। एक इल्जाम उसमें यह भी है एक वकील के खिलाफ, बताया जा रहा है कि भाई प्रवीर पुरकायस्थ का षड्यंत्र था चीनियों के साथ, कुछ चीनी कंपनियों के साथ भी जो है उनका मिली भगत है, और चीनी कंपनी ने अपनी वकालत के लिए गौतम भाटिया नाम के वकील को हायर किया, उस वकील को भी, वकील जो एक बहुत माना पहचाना रिस्पेक्टेड लॉयर है जिनकी किताबों को जो है जजेस उनकी किताब के विमोचन पे आते हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस ने ऐसी बातें कह दी। और प्रवीर पुरकायस्थ के साथ साथ तकरीबन 40-50 लोगों के घरों को रेड किया गया। 6 साल पहले कोई ऐसा फ्रीलांस रिपोर्टर जिसने शायद 1 या 2 लेख लिखे हो न्यूज़पेपर के लिए, उनको भी जो है पुलिस ने पकड़ के थाने में बिठा के उनकी तफ्तीश, उनका इंक्वायरी कराया, उनके फोन ले लिए। बताया जा रहा है कि 300 से ऊपर फोन, कंप्यूटर, आईपैड वगैरह छीने गए, और ऐसे लोगों से छीना गया जो जिनकी रोजी रोटी का सहारा वो डिवाइस है। एक बेचारा फोटो जर्नलिस्ट जो अपने कैमरा के आधार पे अपनी अपना गुजारा करता है, कोई और अपने कंप्यूटर से लिखता है, कोई और अपने कैमरा से डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। तो सीधे तौर पे जो है आपने 50-60 पत्रकारों के खिलाफ ये एक्शन लिया, 300-350 डिवाइसेस छीन लिए, और जब पत्रकारों को बुलाया गया पूछताछ के लिए तब रेड का असलियत मालूम हुआ, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछे गए, अच्छा केस जो बना है प्रवीर के खिलाफ वो दहशतगर्दी का है, आतंकवाद का है, लेकिन सवाल जो है उर्मिलेश जी हमको बता रहे थे जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी के एडिटर भी रहे हैं, कश्मीर पे किताब लिख चुके हैं, बहुत जाने पहचाने, और वो न्यूज़पेपर के लिए भी वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई अच्छा दिस इज सपोज टू बी अ टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन, और उर्मिला जी से पूछा जा रहा है कि भाई किसानों के आंदोलन को कवर करने आप गए थे दिल्ली में जो दंगे हुए उसके बारे में आपने प्रोग्राम क्यों बनाया, और ऐसे ऐसे सवाल जो आपको बताता है कि भाई असलियत क्या है, कि भाई सरकार नहीं चाहती कि लोग एक निष्पक्ष तरीके से देश के हालात के बारे में कवरेज करें। और ये चलो हम इसको डिसमिस कर देते अगर ये एक ही मुकदमा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे पत्रकार साथियों को गिरफ्तार किया गया, 2 ऐसे पत्रकार, 3 आसिफ सुल्ताना भी निकला है 5 साल की जेल के बाद, फहद शाह, सज्जाद गुल। फहद शाह के खिलाफ इल्जाम क्या था, ये एक मैगजीन चलाता था कश्मीर वाला, कि भाई 2011 में, मतलब कि 10 साल पहले आपने एक वकील का लेख छापा जिसमें उसने भारत सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया। 10 साल तक जम्मू कश्मीर की पुलिस सोती रही थी। इवन अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती पे और उमर अब्दुल्ला पे जो मुख्यमंत्री रहे कि भाई वो एक्शन नहीं लेना चाहते थे, भाई 2018 से तो प्रेजेंस रूल है, आपको 2022 में याद आता है कि भाई ऐसा लेख छपा, और लेख छपने के बाद आपने इनको गिरफ्तार कर लिया, यूएपीए की केस डाल दिया इनके खिलाफ। जब ये जेल में थे तो इनके जो डेप्यूटी एडिटर है यशपाल, जो मुश्किल से आज 24-25 साल, बहुत यंग लड़का है, आप हंसोगे कि भाई यशराज से सवाल पूछा गया कि भाई आपने 2011 में क्यों ये लेख छापा, उसने कहा भाई 2011 में मेरी उम्र 14 साल की थी, ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे, तो लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये कि भाई हरास करो, टॉर्चर करो, लोगों को पीड़ित करो ताकि वो अपना काम ना करें।
और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं या दिल्ली देश के तकरीबन हर कोने में हो रहा है। मुझे याद है यहाँ महाराष्ट्र में महामारी के समय किसी पत्रकार ने शायद टीवी में स्टोरी चलाया था कि भाई फलाना स्टेशन से ट्रेन जा रही हैं, वो खबर सही हो या गलत हो लेकिन जो है वो पूरी तरह से उन पे केस लग गया। और भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे अंडमान निकोबार में मिसाल है, कोयम्बटोर में लड़का है एंड्रू सैम राज पांडियन जो एक वेबसाइट को चलाता है, उन्होंने उनके वेबसाइट पे स्टोरीज छपी कोयम्बटोर में कि भाई राशन की दुकान पे लॉकडाउन के तहत सामान नहीं मिल रहा है। कोई भी समझदार सरकार उस रिपोर्ट को देख के एक्शन लेता कि भाई उन दुकानों तक आप सामान पहुंचा दो, लेकिन नहीं, पांडियन साहब जो है गिरफ्तार हो गए कि भाई आप स्टेट के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई जर्नलिस्टिक रिपोर्ट का क्रिमिनलाइजेशन, हमारे खिलाफ भी ऐसे 5-6 केसेस हैं हमारे और जो रिपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ, मृणाल पांडे और राजदीप सरदेसा के खिलाफ तो राजद्रोह का केस दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने 2020 में एक जो किसान दिल्ली में मरा था 2021 में रैली में, और पुलिस ने कहा कि ये ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से मरा, और इन्होंने ट्वीट किया कि नहीं हमको, हमने सुना चश्मदीद गवाहों के बेसिस पे कि गोली से मरा है। उन ट्वीट्स के लिए जो है पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया। विनोद दुआ लॉकडाउन के तहत उन्होंने प्रोग्राम किया कि भाई बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर बिना किसी सहारा जो है दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई उनको सहायता नहीं मिल रहा है, कोई खाना नहीं मिल रहा है, कोई चलने का साधन नहीं मिल रहा है, इनके खिलाफ हिमाचल में किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने राजद्रोह का केस दर्ज किया, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा गिरफ्तारी प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट रिपोर्टर्स, ये बहुत खतरनाक है। और इसमें मैं सिर्फ एक पार्टी या एक लीडर या एक राज्य को दोषी नहीं ठहरा हुआ, तकरीबन हर राज्य में ये हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में भी कुछ ऐसे मिसाल हैं, हर जगह ये, क्योंकि जाहिर है कि जब ऊपर से आपने ये रास्ता दिखा दिया तो हर कोई इसका इस्तेमाल करे। इसके अलावा दो नए कानून जो डिजिटल मीडिया के का गला दबाने का काम सरकार उनसे कराना चाहती है। पहला आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, और दूसरा ब्रॉडकास्ट बिल जो अभी ड्राफ्ट हुआ है। नाम ब्रॉडकास्ट बिल है, ब्रॉडकास्ट से आम आदमी क्या समझते हैं कि भाई सैटेलाइट वेव से, और आज भी एक ब्रॉडकास्ट एक्ट है जो केबल टीवी को रेगुलेट करता है, लेकिन सरकार जानती है कि भाई केबल टीवी जो न्यूज चैनल्स हैं पब्लिक की नजरों में ये सब गोदी मीडिया वाले हैं, अब लोग उनको देखे या ना देखे लेकिन उनकी बातों पे ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, तो उनको कंट्रोल करने का क्या फायदा। वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं उन आजाद आवाजों को जो यूट्यूब के जरिए आम जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। रवीश कुमार को एनडीटीवी से भगाया गया, रवीश कुमार अब यूट्यूब में शायद और लोकप्रिय हैं पहले से, और इनके अलावा और भी लोग हैं, हमारा भी अपना द वायर का यूट्यूब चैनल है जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास है और मिलियंस के तादाद पे लोग देखते हैं उस हर महीने, और सरकार एक तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे इसको कंट्रोल करें इसके तौर तरीके ढूंढ रहा है। तो पहला तो बना आईटी रूल्स जिसमें बताया गया कि कोई भी पाठक किसी भी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकता है कि भाई मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं है, चलिए ठीक है हर किसी का वो हक है कि भाई वो कंप्लेंट करे, लेकिन सरकार ने कानून बनाया कि कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए आपने एक डिजिटल एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, और 48 घंटे के अंदर अगर ये ऑफिसर उस पाठक को एक को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वो पाठक अपना ग्रीवेंस जो है ऑल द वे सरकार तक ले सकता है।
और सरकार में एक कमेटी बैठी थी ब्यूरोक्रेट्स की, और वो कमेटी जो है अधिकारियों का, वो तय करेगी कि भाई स्टोरी सही है कि गलत है, डिलीट होना चाहिए कि चलेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक कानून किसी भी डेमोक्रेसी में कैसे अलाउ हो सकता है। और हम लोग वायर भी गया हाई कोर्ट में, 3-4 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की, उसमें थोड़ा सा स्टे लग गया है, तो वो आईटी रूल्स कहीं उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं सरकार कर पा रही है। लेकिन ब्रॉडकास्ट बिल जो है, ये ब्रॉडकास्टिंग के डेफिनेशन में सारे जो यूट्यूब कंटेंट उसको इंक्लूड करता है, और बहुत सारे ऐसे उसमें रूल्स हैं, प्रावधान हैं, जिसके जरिए सरकार ये चाहती है कि भाई उस यूट्यूब के कंटेंट को हम कंट्रोल कर पाएं, ताकि हमारे खिलाफ जो है ऐसी पब्लिक ओपिनियन ना बने। और मैं समझता हूँ कि ये कानून अगर पारित हो जाए और अगर ये लागू किया जाए, तो आज जो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है मीडिया में, स्पेस डिजिटल मीडिया में खासतौर पर, जहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग हो जाती है, डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके गोदी चैनल कभी नहीं उठाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अमित शाह साहब के बयान का जिक्र किया, किसी भी हेल्दी मीडिया सिस्टम में ये उनका जो उनकी जो तकरीर थी, ये प्राइम टाइम डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बनना चाहिए था, उनके पक्ष में बोले, उनके खिलाफ बोले, लेकिन टॉपिक तो टॉपिक है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा आपको डिजिटल मीडिया में थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन उस चर्चा को दबाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए सरकार की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, मैंने वादा किया कि 1 घंटे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और अनुशासन इस मामले में बहुत, इसका पालन करना बहुत मुश्किल, लेकिन संक्षेप में मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आज का विषय था फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी एंड मीडिया फ्रीडम इन इंडिया, और हमने देखा किस तरह से चुनाव प्रणाली, फेडरलिज्म, भारत की जो कॉम्पोजिट कल्चर है कम्युनलिज्म के जरिए, जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, किस तरह से ये चार चीजें बहुत साफ नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक पांचवा खतरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं ये बहुत इसको समझना और इस पे अमल करना बहुत जरूरी है, और वो खतरा ये है अगर हम अपने आप को कन्विंस कर लें कि देश के सामने कोई विकल्प नहीं। सबसे खतरनाक वो खतरा है ये सोचना कि भाई हमारे सामने कोई विकल्प नहीं। अक्सर सुनने में मिलता है जब आप लोगों से आप बात करते हैं कि हाँ भाई महंगाई तो है, सांप्रदायिकता है, कत्लेआम का सिलसिला चल रहा है, सरकारी नीतियों से खुश नहीं है, लेकिन आप विकल्प बताइए, कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा आपको। और ये जो है इसलिए लोग इस दिशा में सोचते हैं और बोलते हैं क्योंकि मीडिया प्रणाली जो है पूरी तरह से एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कहते हैं अंग्रेजी में हीरो वर्शिप, पब्लिक के सरों पे थोप रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है न सिर्फ संविधान के सरसंचालक थे, लेकिन उन्होंने बार बार एक समस्या को उजागर करने की कोशिश की अपनी पॉलिटिकल लाइफ में। शायद पहली बार 1942 या 43 में उन्होंने एक रानाडे लेक्चर दिया था, उसी बात को फिर उन्होंने संविधान सभा के आखिर में दोबारा उस बात को दोहराया कि भाई डेमोक्रेसी में बहुत खतरनाक है ये सोच कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो वर्शिप। कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी में आप किसी नेता को उस स्तर तक मत पहुंचाइए जहां पे उनकी आलोचना नहीं हो सकती, जहां पे उनके बारे में एक रैशनल आप बात नहीं कर सकते, जहां आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, जहां पे आप उनको अपोज नहीं कर सकते।
अगर आपने ऐसा सिस्टम बना दिया, अगर आपने अपने लीडर्स को हीरो का दर्जा दे दिया, सन 42 में रानाडे लेक्चर में शायद उनका मतलब था गांधी और जिन्ना, 1949-1950 में जाहिर है कि नेहरू का जिक्र, लेकिन मुझे लगता है कि एक फार साइटेडनेस थी उनकी बातों में, क्योंकि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को जब जब खतरा पहुंचा है हमेशा एक हीरो, एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ा लीडर अपने आप एक प्रोजेक्ट होता है या होती है। इंदिरा गांधी के आपातकालीन में देवकांत बरुआ साहब का जुमला आपको याद है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज के एंड में सुनने को मिलता है कि भाई ये हमारे जो प्रधानमंत्री है देवता समान है, ईश्वर के अवतार है, ऐसे मतलब ऐसे मंत्री लोग कहते हैं, रूलिंग पार्टी के विधायक बोलते हैं। और आप जैसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए किस तरह से बाकी जो मतलब आप नेहरू और उसके अपने कैबिनेट, नेहरू के बारे में जिनके खिलाफ शायद बाबा साहब का की आलोचना डायरेक्टेड थी, उनको अपने कैबिनेट के साथ एक तस्वीर भी देख लीजिए, उनको आम जनता के साथ इंटरेक्ट करने की तस्वीर देख लीजिए, और आज का जो माहौल है आप ये देख लीजिए। तो ये हीरो वर्शिप जो है लीडर को लार्जर देन लाइफ खड़ा करना कि भाई इनके खिलाफ, इनके सिवा और कोई है ही नहीं, इनसे पहले कोई अच्छी चीज हुई नहीं, और इनके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, ये जो सोच है मुझे लगता है कि अगर इस सोच में लोग अपने आप को, इस सोच की जंजीर में अपने आप को जकड़ लें, अगर वो ट्रैप हो जाए तो भारत की डेमोक्रेसी को कोई नहीं बचा सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बातों को सुना।